हेलो एवरीवन, पूनम सुकरी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर विश करना चाहती हूँ। आज हम बनाने वाले हैं क्रिसमस स्पेशल प्लम केक। दोस्तों, ये केक ना बहुत ही अच्छा लगता है, इसमें हर जगह आपको नट्स मिलेगा। केक का वेट, प्राइसिंग सब कुछ शेयर करूँगी, तो वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा। और हाँ, आप देख ही सकते हो केक कितना सॉफ्ट और मॉइस्ट बना है, और इसमें ना आपको हर जगह नट्स मिलेंगे, तो वो बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। तो आप इसको इस बार ट्राई कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को। तो फिर चलिए क्रिसमस स्पेशल प्लम केक की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ना एक पैन में मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 इलायची 2 लौंग और थोड़ा सा यहाँ पे दालचीनी का टुकड़ा है। इसको ना जस्ट 20 से 30 सेकंड के लिए हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पे ना मसालों में से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगेंगी, तो बस लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे और फिर इनको साइड में निकाल के रख लेंगे। ठीक है, अब वही सेम पैन में यहाँ पे 1/4 कप मैंने चीनी लिया है, और चीनी को ना मीडियम फ्लेम पर करके हम इसी तरह से छोड़ देंगे। ज़्यादा नहीं चलाना है, जब इस तरह से हल्का सा मेल्ट हो जाएगा चीनी तो आप इसको एक बार मिक्स कर दीजिएगा। ठीक है, और अभी हम यहाँ पे कैरमल बना रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम हो जाएगा और बहुत ज़्यादा अगर कलर डार्क हो जाएगा तो केक कड़वा लगने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ना जब इस तरह से कैरमल बन गया हमारा चीनी का, इसको ज़्यादा नहीं 2 से 3 मिनट लगा है, तो इसमें मैंने 2 चम्मच जितना पानी डाल दिया है और इसको मिक्स कर लेंगे। ना यहाँ पर हमारा पानी है वो कैरमल के साथ एकदम अच्छे से मिक्स हो गया है, तो अब अपने फ्लेम को ना हम बंद कर देंगे और इसमें नट्स को डाल रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है आलमंड्स, वॉलनट्स लिया है, थोड़ा सा काजू है, टूटी फ्रूटी चेरीज़ है, ब्लैक रेजिन्स, किशमिश है, तो ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हो। आपके पास जो भी नट्स अवेलेबल है आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। और जनरली ना इन सबको अल्कोहल या फिर ऑरेंज जूस में सोक किया जाता है नट्स को, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इस तरह से भी कैरमल में सोक कर सकते हो। मतलब क्या है ना, कैरमल बनाओ, इसमें ना नट्स को डालो। यहाँ पर मैंने खजूर का भी यूज़ किया था नट्स में। ठीक है, और उसके बाद ना वापस से गैस फ्लेम ऑन करके 2 मिनट तक कुक कर लेंगे, जिससे क्या होगा ना, जो नट्स है वो कैरमल को अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेंगे, अच्छे से सोक भी हो जाएंगे, और फिर हम इनको केक में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने 2 मिनट तक बस इसी तरह से लो फ्लेम पर कुक कर लिया था, जिससे कि नट्स ने कैरमल को एकदम अच्छे से अब्जॉर्ब कर लिया है। ठीक है, और अगर आपको लगे ये बहुत थिक हो रहा है तो थोड़ा सा पानी डाल सकते हो, ताकि कैरमल थोड़ा सा पतला हो जाए और नट्स अब्जॉर्ब कर ले सबको। ठीक है, तो ये हो गया है, ज़्यादा नहीं 2 मिनट तक बस कुक किया। अब इसको निकाल के साइड में ठंडा होने के लिए रख देंगे, नेक्स्ट प्रोसेस में चलेंगे। तो यहाँ पर ना एक बड़ा सा पतीला लेंगे, नीचे स्टैंड रखेंगे, ढक देंगे, 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर प्रीहीट होने देंगे। ये सेम चीज़ को आप कढ़ाई या कुकर में भी बेक कर सकते हैं, और अगर आप माइक्रोवेव या ओवन में बना रहे हैं तो उसको भी प्रीहीट होने के लिए रख दीजिएगा इसी टाइम पे। तो चलिए अब हम बनाएंगे प्लम केक प्रीमिक्स। तो इसके लिए एक मिक्सी जार में 1/4 कप चीनी डालना है। इसके बाद ये जो हमने मसाले को रोस्ट करके रखा हुआ था ये डाल देंगे, और इसको ना एक बार अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। और इसके बाद फिर से हम सेम मिक्सी जार में डालेंगे 1 कप मैदा, 2 चम्मच यहाँ पर डाल रही हूँ मिल्क पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे बेकिंग पाउडर, 1/2 चम्मच डालेंगे इसमें बेकिंग सोडा, और इसके बाद 1 पिंच डालेंगे इसमें नमक ताकि टेस्ट बैलेंस हो जाए, 1/4 टीस्पून डालेंगे सॉल्ट या फिर जिंजर पाउडर, इसके बाद 1/2 चम्मच इसमें डालेंगे वनीला एसेंस। अब इन सब चीज़ों को ना अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, और हमारे यहाँ पर ये प्लम केक प्रीमिक्स बिल्कुल रेडी हो गया है। इस प्रीमिक्स को ना आप महीनों भर तक स्टोर करके रख सकते हैं, और उसके बाद जब मन चाहे बहुत ही ईजिली प्लम केक बना सकते हैं। तो यहाँ पर ना मैं आपको वेट करके दिखा देती हूँ कि 1 कप मैदा लिया था ना हमने, तो उससे हमारा यहाँ पर अप्रॉक्स 200 ग्राम्स प्रीमिक्स बना है। ठीक है, और ये पूरे 200 ग्राम्स का प्रीमिक्स को हम यूज़ करके आज केक बनाएंगे। इसके बाद ना ये जो हमने नट सोक करके रखा था ये भी अच्छे से ठंडा हो गया है, और ठंडा होने के बाद ना ये इस तरह से थिक हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं ना, आप इसको भी स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में लगभग 10 से 15 दिन के लिए, और जब मन चाहे इजीली प्रीमिक्स और इन नट्स को मिलाकर प्लम केक बना सकते हैं। तो ये जो नट्स है ना ये एकदम अच्छे से नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ चुके हैं, तो अभी हम इनको साइड में रखेंगे। इसके बाद ना यहाँ पर मैंने ये लिया है मिक्स फ्रूट जूस। आप चाहे तो यहाँ पे ऑरेंज जूस का यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे ना तो कोई भी फ्रूट जूस का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर तो मैंने रेडीमेड वाला जूस का यूज़ किया है, फ्रेश वाला जूस का भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने वो भी शेयर किया है, तो आप एक बार चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर 1/2 कप मैंने मिक्स फ्रूट जूस ले लिया है, और इसके बाद ना जो हमने प्रीमिक्स बनाया हुआ है 200 ग्राम वो डालेंगे। इसमें मैं 1/4 कप डाल रही हूँ रिफाइंड ऑयल, और इसके बाद ना मैं इसमें डालूंगी ये फ्रूट जूस, और ये ना थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, और जितना ज़रूरत पड़ेगा उतना ही डालेंगे, बहुत एक्सेस नहीं डालेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे इसको डाल लेंगे। वैसे ऑरेंज जूस से किस तरह से प्लम केक बना सकते हैं ये मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, बनाना को यूज़ करके किस तरह से बना सकते हैं, पाइनएप्पल, मैंगो, किस तरह से इन सब चीज़ों को यूज़ करके आप बना सकते हैं ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप चेक कर लेना एक बार उसको भी।
तो यहाँ पर ना हमने इस तरह से थिक सा बैटर बना लिया। अब इसके बाद ना ये जो नट्स है इसको हम इसमें डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर मिक्स मत कीजिएगा वरना केक अच्छा नहीं बनता है, और इस तरह से थिक कंसिस्टेंसी का बैटर रहेगा, ठीक है। अब ना फटाफट से एक और काम करेंगे, हम ना यहाँ पर केक टिन लेंगे, ये 6 इंच डायमीटर का केक टिन है, नीचे जल्दी से बटर पेपर लगाना है और साइड में ना थोड़ा सा केक के बैटर को ही लगा देंगे और साइड्स में भी अच्छे से बटर पेपर लगा लेंगे। इससे क्या होगा ना, केक बिल्कुल भी जलेगा नहीं, और जब केक फूलेगा ना तो वो अच्छे से उसको जगह मिलेगा ऊपर तक फूलने का, और इसलिए बटर पेपर को मैंने थोड़ा सा बड़ा ही कट किया है। नीचे में ना थोड़ा सा और ऑयल लगा देंगे। केक टिन रेडी हो गया तो अब इसी में अपने बैटर को ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। बैटर थिक होना चाहिए। अब प्लम केक है तो ऊपर से थोड़ा सा नट से डेकोरेट कर देंगे। आप चाहो तो कोई भी नट्स का यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे थोड़ा सा टूटी फ्रूटी भी डाल देंगे और बस आप इसको अपने हिसाब से डेकोरेट कर देना। थोड़ा सा चेरीज भी डाला है मैंने। अब इसको 2 से 3 बार टैप करेंगे और हमने जो पतीले को प्रीहीट होने के लिए रखा था ना उसको ओपन करेंगे और सावधानी से उसमें डाल देंगे, ठीक है। अब ना केक को बनने में 45 to 50 मिनट्स का वक्त लग जाता है लो मीडियम फ्लेम पर। अवन में अगर आप इसको बेक कर रहे हो तो 180 डिग्री सेल्सियस पे बेक कीजिएगा 40 to 50 मिनट्स के लिए, और अगर कुकर में बेक कर रहे हो तो सीटी और रबर उसका निकाल कर फिर रख कर बेक कीजिएगा। यहाँ पर ना नट्स थोड़ी देर के बाद अंदर चले गए थे तो मैंने यहाँ पर 30 मिनट्स के बाद इसको ओपन किया था और फिर ना इसको बेक कर लिया था ऊपर से नट्स डालकर, ठीक है। टोटल मैंने यहाँ पे 50 मिनट्स के लिए केक को बेक किया है। 5 से 10 मिनट टाइम आगे पीछे आपका हो सकता है, चेक कर लेंगे। टूथपिक क्लीन निकला है तो बस अब गैस फ्लेम को बंद करेंगे, बाहर निकालेंगे केक को, ढक कर 1 घंटे के लिए मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। इसके बाद ना ओपन करेंगे और बस ये अच्छे से ठंडा हो गया है तो अब ना इसको डीमोल्ड कर लेते हैं। तो ना यहाँ पर मैंने बैटर लगाया था ना केक टिन में, तो थोड़ा सा ना इसको पहले नाइफ से रिमूव कर लेंगे और उसके बाद हम यहाँ से बटर पेपर को निकाल लेंगे। बहुत ही ईजिली हमारा केक निकल गया है, आप देख सकते हो। इसके बाद ना यहाँ से हम बटर पेपर को नीचे से हटा लेंगे, ठीक है। तो ये भी हो गया, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा कलर आया है, नीचे से बिल्कुल जला नहीं है, हर जगह आपको इसमें नट्स मिलेंगे और इसका टेस्ट बहुत ही परफेक्ट आता है। तो आप इसको इस बार क्रिसमस में ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही सॉफ्ट मॉइस्ट रहेगा और आपको ना इस केक में हर जगह नट्स का टेस्ट आएगा, टूटी फ्रूटी का टेस्ट आएगा, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप इस बार इसको न्यू ईयर या फिर क्रिसमस में ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगेगा। बाकी सारी रेसिपीज़ के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी तो आप उनको चेक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप इस केक को ट्राई करते हैं तो मेरे साथ मेरे जीमेल आईडी पे शेयर कर सकते हैं पिक्स को। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही नई रेसिपी के साथ, तब तक बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।